एक ट्यूब बना पैसे लूटने की मशीन। जी हाँ, कैसे बताता हूँ। इस बार कितने सब्जेक्ट पर एयरबैग लगेगी? 6 पे 5 पे 7 पे। चैलेंज मिशन रिजल्ट कब आएगा? एक ट्यूब छात्रों से पैसा कैसे लूटती यूनिवर्सिटी में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और छात्रों को जो डाउट है कितने सब्जेक्ट पर बैग लगती है, रिजल्ट कितना, ग्रेस कितना मिलता है, चैलेंज रिजल्ट कब आएगा, चलिए करते हैं स्टार्ट। जो आप लोग कमेंट के रिप्लाई देंगे और क्या पूरी अपडेट वो भी बात करेंगे, करते हैं स्टार्ट क्या पूरी आज की अपडेट। यहाँ पे क्या मेंशन है कि रुपया छापने की मशीन बनाए कि जो खर्च 7.5 गुना ज़्यादा फीस। यानी अगर 1 रुपया लग रहा है खर्च तो 7.5 रुपये ले रहा है। अगर 1,000 खर्च हो रहा है उस पर एग्ज़ाम फीस कापी में तो कितना? 7,500 रुपये ले रहा है। तो बताओ कितना नाइंसाफी, छात्रों से पैसा लूट रहा है, बना रहा है पैसा। यानी कि सिर्फ जो है पैसा ना लेने की जगह से 7.5 गुना 8 गुना पैसा ले रहा है। क्या मेंशन है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रावधि विश्वविद्यालय टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश सिर्फ रुपया छापने की मशीन के रूप में काम कर रही। मान्यता एग्जाम फीस लेट फीस के नाम पर करोड़ों रुपए वसूलने के बावजूद न स्टूडेंट को समय से रिजल्ट पा रहा है और न ही डिग्री मार्कशीट और विश्वविद्यालय के जिम्मेदार स्टूडेंट से मिलने को तैयार। नहीं, स्टूडेंट परेशान है। सोशल मीडिया पर उनकी कैंपेन कभी रुकने का ना। हमने कई बार खुद कैंपेन चलाया था, कई बार छात्र धरना प्रदर्शन भी दिए हैं। लेकिन आप खुद बताइए, क्या लेट फीस, उसके अलावा एग्जाम फीस, रिजल्ट न आना, क्या सब सारी समस्या नहीं है क्या? आप लोगों की ऐसी समस्या नहीं, आप लोग जरूर कमेंट करना। आप लोगों का रिजल्ट कितने महीनों महीनों लटका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। फिर उसके बाद चैलेंज यूनिवर्सिटी फीस, फॉर्म की फीस, पता नहीं कौन कौन सी फीस लेता है एक्टिव, जो कि ये क्या ना अन्याय है, ना इंसाफी है छात्रों के साथ। आगे क्या मेंशन है कि उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व डॉक्टर APJ कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक्टिव का डाटा चौंकाता है। 12 रुपए की कापी, 25 रुपए कापी चेकिंग की फीस, 10 रुपए की मार्कशीट और 50 रुपए की डिग्री, 25 रुपए डिसर्टेशन का खर्च, स्टूडेंट के एग्जाम को लेकर रिजल्ट निकालने पर डॉक्टर एकेटीयू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रावधि विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश की यही रकम खर्च करती है। अब इसे एक स्टूडेंट पर आने वाले कुल खर्च का हिसाब लगाएंगे तो हर सेमेस्टर BTEC के स्टूडेंट 6 पेपर देते हैं। कापी 32 पेज की दी जाती है तो ज़्यादातर केस में बी कापी की जरूरत नहीं होती है। साल भर में कापी का खर्च 144 रुपये हुआ, जबकि हर स्टूडेंट की कापी चेकिंग के लिए टीचर्स को कुल 3 रुपये मिलते हैं। अधिकतम 10 रुपये की मार्कशीट पर ही पर हर सेमेस्टर में देने की व्यवस्था है। तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि डिग्री कीमत कितना, आज भी 50 रुपये नहीं आती है, इसलिए इसे 4 साल के बराबर बराबर बांट देते हैं। तो यह रकम 12.5 रुपये खर्च बनती है और डिजिटल इवोल्यूशन प्रोसेसिंग की कीमत 25 रुपये कापी प्रति जोड़ते हैं तो साल भर में यह रकम भी 300 रुपये ही बनती है। और इस तरह एक साल में एक स्टूडेंट का खर्चा 776.50 रुपये खर्च होता है, जबकि इसमें से 223.50 रुपये पेपर सेटिंग समेत अन्य फुटकर खर्चे जोड़ दें तो 1,000 रुपये तक पहुँच सकता है। विश्वविद्यालय हर स्टूडेंट से साल में एक बार एग्ज़ाम फीस के नाम पर 7,500 यानी 1,000 की जगह कहते हैं 7,500 रुपये, 1,000 की जगह 7,500 रुपये लेता है। मतलब खर्च का 2 ना 3 गुना नहीं बल्कि 7.5 गुना ज़्यादा एग्जाम फीस ले रहा है। हर कदम पर लिए जा रहे हैं पैसे। आगे का मेंशन है कि ये सारी चीज़ें आप चाहें तो पढ़ लेना, मैं इसको अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, या फिर ऐसा करना मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। एग्ज़ाम फीस के नाम पर कमाए करोड़ों रुपये। और आगे क्या मेंशन है कि पैसे कमाने की मशीन बना AKT यूनिवर्सिटी। जी हाँ, तो 1,000 रुपये, यही सारी अपडेट थी। सीटें भी खाली रह चुकी हैं क्योंकि उसका जो ग्राफ घटता जा रहा है, यही अपडेट थी। लेकिन इसके बाद छात्रों उसके उसके अलावा जो 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 डाउट है छात्रों के, उसके कमेंट के रिप्लाई भी देते हैं कि सर BTEC फोर्थ सेमेस्टर शुरू का रिजल्ट कब आएगा? तो BOP का BTEC का जो फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट है, पहले रेगुलर के जब सारे आ जाएंगे उसके बाद ही आएगा, थोड़ा वेट करिए। उसके अलावा पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ अपलोड वीडियो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सोम और HMT, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा। बाकी कई सारे अपलोड आप लोग उसको बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस बार 6 पेपर YB नहीं लगा है क्या EBTEC? देखिए, 6 पेपर से नहीं होता है, 7 पेपर से नहीं होता है, डिपेंड करता है कि क्रेडिट आपकी कितनी। अगर आपकी क्रेडिट मिनिमम सिलेबस है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्रेडिट पूरी हो जा रही तो पास हो जाएगी। उसका क्रेडिट का जो रूल है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाकर उसको वॉच कर लीजिए। यानी कर कहने का मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो फर्स्ट सेमेस्टर है सेकंड सेमेस्टर वाले किसी में 20 किसी में 22 क्रेडिट है जो सेमेस्टर जो सिलेबस है और आपका जो रिजल्ट है दोनों सेमेस्टर में मिला करके अगर 20 22 हो जा रहा 20 हो जा रहा तो भी आपकी ईयरबैक नहीं लगेगी, चाहे आपके 5 बैग हो चाहे आपके 6 बैग हो। आप लोग जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाकर उसको वॉच कर लीजिए, समझ में ना तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। कॉल करिए, मैं आपको जोड़ के बता दूंगा या फिर मैं आपको समझा दूंगा। यूजर क्या कह रहे हैं कि मतलब 6 बैग का वाई भी नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं भाई, क्रेडिट के हिसाब से होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या कह रहे हैं, उसमें बी फार्म 7 और 8 सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा? 7 और 8 का कब तक आएगा, क्या कब तक आएगा फॉर्म या रिजल्ट? आपने सही लिखा ही नहीं। उसके अलावा सर इस बार BTEC के में 6 पर रिजल्ट स्टेटस PCP बता रहा है, 6 पर PCP बता रहा।
अगर आपकी बैक लगी तो पीसीबी बताएगा, अगर बैक नहीं लगी है तो आप क्या करो, थोड़ा वेट करो। और हाँ, अगर आपकी जो है जान यानी बाय मिस्टेक लगी तो एक अप्लीकेशन दे करके लिख दो और एग्जीक्यूटिव कॉल सेंटर पे भेज दो। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा सर, एमसीए थर्ड सेमेस्टर का चैलेंज क्वेश्चन का रिजल्ट कब तक आएगा एंड रिजल्ट कहाँ से दिखाएगा? देखिए, चैलेंज का रिजल्ट 1 वीक पे दिखता है, लेकिन उसके पहले एक चैलेंज क्वेश्चन सेक्शन है तो वहाँ से दिखता है। और कब तक आएगा? तो जिस दिन लास्ट डेट होती है फॉर्म फिलअप करने की, उसके 60 दिन के बाद आता है। यानी जैसे मान लीजिए अभी 10 अक्टूबर अगर लास्ट डेट है 10 नवम्बर, तो 10 नवम्बर के बाद 10 दिसंबर, 10 जनवरी, यानी जनवरी जनवरी में आएगा। यानी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप जोड़ लीजिए, यानी कम से कम 45 से 60 दिन के बाद ही रिजल्ट आता है लास्ट डेट के बाद। उसके बाद फिर आगे क्या मेंशन, छात्रों का डाउट है, पूछे सर बीफार्म फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में 2 बैक है, क्या मैं थर्ड ईयर में पहुंच जाऊंगा? और अगर स्पेशल कैरी सीओपी होगा तो कब होगा? स्पेशल सीओपी केवल पास आउट छात्रों के लिए होता है। अभी आप रेगुलर यानी अगर आप पास आउट नहीं हुए हैं, आपका 8वां सेमेस्टर एग्जाम नहीं दे पाए तो नहीं दे सकते हैं। ये केवल उन्हीं के लिए होता है जो पास आउट हो चुके हैं। और जहाँ तक बात है फर्स्ट ईयर में 2 बैक है, तो मेरा थर्ड ईयर में एडमिशन हो पाएगा कि नहीं? देखिए, फर्स्ट ईयर क्लियर करेंगे तभी थर्ड ईयर में एडमिशन होता है, अदरवाइज नहीं होगा। उसके अलावा सर 2000, हाँ ग्रेस लेकर पास हो तो हो जाएगा। उसके अलावा क्वेश्चन पूछ रहे सर 2019 और 23 बीटेक स्पेशल कैरियर होगा कि नहीं? अभी कोई अपडेट नहीं, ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्म जरूर करेगा। उसके अलावा क्वेश्चन पूछे सर चैलेंज एवोल्यूशन का रिजल्ट कब तक का रिजल्ट फर्स्ट ईयर का? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिस दिन लास्ट डेट होती है उसके 45 डेज से लेकर 60 डेज के बाद ही आता है। यानी जिस दिन लास्ट डेट होती है उसके बाद 45 दिन से 60 दिन के बाद ही आता है, आप जोड़ लीजिए। उसके बाद सर बीफार्मा में कितने बॉक्स का ग्रेस मिलता है? बीफार्मा में अब 7 का मिलता है, पहले 10 का मिलता था। तो ये सारी अपडेट थी कि पैसा लूटने की मशीन बनी। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, टाइम नहीं था इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया। बाकी आई होप सारे डाउट मैं क्लियर कर दिया हूँ। फिर भी कोई डाउट बचा तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि नंबर मैंने मेंबरशिप सेक्शन में डाल रखा है। अगर मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से नंबर मिल जाएगा। कोई और डाउट कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हम ऑलरेडी और ही और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करें।